नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग एपिसोड फर्स्ट में गाना और गाने के साथ हारमोनियम बजाने का अभ्यास कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने पहले एपिसोड में शुरू के चार अलंकारों का अभ्यास किया, ठाह की लय में, दुगुन की लय में, तिगुन की लय में और चौगुन की लय में। हारमोनियम के अभ्यास के लिए और साथ साथ गाने के अभ्यास के लिए कुछ और अलंकारों की आवश्यकता है, कुछ और अलंकारों की ज़रूरत है कि उन्हें हम बजा करके और साथ में गा करके अभ्यास करेंगे तो आगे जब हम आपको हारमोनियम में गीतों को कैसे निकालते हैं या कि गीतों को कैसे गाते हैं ये बताएंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो इस एपिसोड में हम लोग चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर की सरगम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ये देखिए, आपने ये देखा, ये पहले नंबर की सरगम थी। मुझे लगता है कि आप सब ने इस एपिसोड में देखा होगा, उसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें क्रम से सरगमों को। तो पहले नंबर की सरगम, फिर स स रे रे ग ग म म दो दो बार ये दूसरे नंबर की, फिर तीन तीन बार की सरगम, फिर चार चार बार वही चीज़। अब हम जब ये पांचवें नंबर की सरगम करेंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए, सारे फिर रे से गा में जा रहे हैं, रे गा फिर गा म म प प ध फिर धानी और ये नीसा, ऐसे हम लोग इस सरगम को बना रहे हैं, पांचवें नंबर की सरगम को। तो इसको कैसे गाते हैं पहले देखते हैं। सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। एक बार केवल हारमोनियम में देख लें, कोशिश करेंगे तो हम क्या करते हैं, सारे यहां रुकना है, सारे फिर रे से चलना है, रे गा फिर गा से चलना है, गा मा फिर मा से मा पा पा धा धा नी नी सा। तो इसको जब क्रम से गाएंगे तो सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। ठीक है, इन्हीं सरगमों को हम लोग कोशिश करेंगे आगे कि स्वर में, स्वर के साथ आकार में गा करके भी अभ्यास करेंगे तो गाने का भी बराबर अभ्यास होता जाएगा। तो इसको आ आ आ आ लय भी अगर हम बढ़ा दें, जैसे सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, उसी को आ आ आ आ आ आ आ। तो ऐसे लय बढ़ा करके भी अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं छठे नंबर की सरगम में हमने तीन तीन स्वरों को एक साथ लिया है, पहले सा रे ग फिर रे ग म फिर ग म प म प ध प ध नी ध नी सा, ऐसे ये सरगम हमने लिया, सा रे ग तीन स्वर को एक साथ, फिर रे ग म तीन फिर एक साथ, फिर ग म प म प ध प ध नी ध नी सा, इसी प्रकार से वापस आते हैं, सा नी ध नी ध प ध प म पा मा गा मा गा रे सा। तो इसको
कैसे बजाएंगे और गाएंगे ये देखिए। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी सा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। कमलय में देखिए सा रे गा तीन सुर लिया, फिर एक सुर पहले से, फिर रे गा मा, फिर एक सुर पहले से गा मा पा, फिर एक सुर पहले से मा पा धा, फिर एक सुर पहले से पा धनी, फिर धनी सा, वैसे ही वापस आना है। सा नी धा, फिर एक सुर पहले से नी धा पा मा गा मा गा रे सा। तो फिर अभ्यास में लेते हैं सा रे गा मा पा मा पा धा पा धानी सा नी धानी धा पा मा गा मा गा रे सा। अब क्या करेंगे, एक बार हम हारमोनियम बजाएंगे, फिर एक बार सुर में गाएंगे, फिर एक बार आकार में गाएंगे। आकार में अब इसे दुगुन की लय में करते हैं तो सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी सा नी धा नी धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। आकार में आ केवल हारमोनियम बजाएं तो करना है, हारमोनियम बजाने का और सुर में गाना है और आकार में गाना है। फिर से एक बार सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा आ बढ़ा के इसको चौगुन की लय में भी बोल सकते हैं। कैसे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। तो हारमोनियम बजाने का और गाने का भी अच्छा अभ्यास होगा। इसको आकार में आ रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। तो ऐसे अभ्यास करना है तो हमारा हारमोनियम में भी फिंगरिंग अच्छा हो जाएगा और गला भी तैयार होगा। अब इसके आगे की सरगम लेते हैं, सातवें नंबर की सरगम। इसमें हमने चार चार सुरों को एक साथ रखा है। पहले सारे गामा ये चल रहे हैं, सारे गामा, फिर रे से फिर चलते हैं रे गा मा पा, चार सुर हुए, फिर ग से चलते हैं गा मा पा धा, फिर मा से मा पा धा नी, फिर पा से पा धा नी सा, ऐसे वापस आते हैं सा नी धा पा, फिर नी धा पा मा गा, पा मा गा रे सा। तो इसको अभ्यास में लेते हैं, ठीक से आप देख ले और इन सरगमों को सबको नोट करना है और बार बार उनका अभ्यास करना है।
सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा गा पा मा गा रे सा। एक बार फिर से सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा गा पा मा गा रे सा। अब इसको आकार में लेते हैं में बोलना है सारे गामा रे गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। सारे गामा रे गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। अब हम सरगम लेते हैं आठवें नंबर की, जिसमें पांच पांच स्वरों को एक साथ रखा, सा रे गा मा पा, फिर रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। अब रो सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। कैसे? सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। एक बार फिर से सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। आ रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। आ 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
अब इसी कुछ चौगुन की लय में सरे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा सरे गा मा पा रे गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा पा मा गा रे पा मा गा रे सा अगर हम चौगुन की लय में अभी नहीं कर पा रहे तो केवल ठाह और दुगुन की लय में ही अभ्यास करना है। जब अच्छे से अभ्यास हो जाए तभी चौगुन की लय का अभ्यास करना है। फिर नौवें नंबर की सरगम में हम कितने सुर ले रहे हैं? एक दो तीन चार पांच छह, धा तक छह छह सुर। सारे गामा पा धा रे गामा पा धा नी गामा पा धा नी सा, तो ऐसे छह सुर ले रहे हैं। सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा, इसको कैसे बजाएंगे? सारे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा पाधा रे गा मा पाधा नी गा मा पाधा नी सा सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पाधा रे गा मा पाधा नी गा मा पाधा नी सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा तो इस प्रकार से अब दसवें नंबर की सरगम में हमें पूरे सात सुर लेने हैं। सा रे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा आ
म प ध नि रे ग म प ध नि सा स नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा स रे ग म प ध नि रे ग म प ध नि सा स नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा इस प्रकार से ये 10 सरगम हमें नित्य अभ्यास में रखना है और इसके बाद रोज पहला आरोह और अवरोह जो रोज अभ्यास में करना है, लेकिन उसे किस प्रकार से लय के साथ अभ्यास में लेना है ये हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। पहला सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा एक बार सुर में बोलिए, एक बार आकार में बोलिए, या तो ऐसा सिस्टम बना लें कि दो बार सुर में बोलते हैं पहले और दो बार आकार में बोलते हैं। आ सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे पधनी ससनी धा पम गरे ससरे गम पधनी ससनी धा पम गरे सा सरे गम पधनी ससनी धा पम गरे ससरे गम पधनी ससनी धा पम गरे सा से अभ्यास करने से हारमोनियम का भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा और गले की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, इसलिए ये अभ्यास करना है। अब इसके बाद अगर ये अच्छे से हो जाता है तो इससे ज्यादा लय में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हारमोनियम, जैसे सरे ग म प ध नि स स नि ध प म ग रे सा सरे ग म प ध नि स स नि ध प म ग रे सा सरे गम प ध नि स स नि ध प म ग रे सा सरे गम प ध नि स स नि ध प म ग रे सा इस प्रकार से हमें रोज सरगमों का अभ्यास करना है तो हारमोनियम और गला दोनों अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो अलंकार के का यह दूसरा एपिसोड था और मुझे आशा है कि ये दोनों एपिसोड आप अच्छे से देख के और इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद के एपिसोड जो होंगे उसमें हम आपको छोटे छोटे गीतों को कैसे हारमोनियम में निकालते हैं और उन्हें कैसे साथ में गाते हैं ये हम बताएंगे।
धन्यवाद।